हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नीट 2021 में एम्स, एफएमसी, एएमयू, बीएचयू या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जैसे प्रेस्टीजियस और वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ डॉक्टर आमिर। मैंने अपना MBBS 2009 में शुरू किया था, उसके बाद 2015 में MS इन जनरल सर्जरी के लिए सेलेक्ट हुआ, उसके बाद 2018 में MCH इन न्यूरो सर्जरी के लिए एम्स भुवनेश्वर में सेलेक्ट हुआ। करंटली मेरा थर्ड ईयर है एम्स। ऑल इंडिया PMT में 2009 में मेरी 500 रैंक थी, PG एग्ज़ाम में मेरी 20 रैंक थी और सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम में एम्स में मेरी 14th रैंक। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कीप इन माइंड कि नीट 2021 का एग्ज़ाम जो है वो मई में ही होगा, वो पोस्टपोन या प्रीपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। आप अपने दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल ना रखें कि ये वाला एग्ज़ाम सितंबर में हुआ है तो अगला एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होगा, वो एग्ज़ाम मई में ही एज ए शेड्यूल टाइम ही होगा। तो अभी से कैलकुलेट करें तो आपके पास 8 महीने हैं, एंड इन 8 महीनों में आपको डेली मिनिमम 12 आवर्स स्टडी करना है। मिनिमम आपको 12 आवर्स डेली स्टडी करना ही है। सो इतने लंबे टाइम तक डेली कैसे कंसंट्रेशन बनाए रखें, इसका एक साइंटिफिकली प्रूवन वे जो मैं हमेशा फॉलो करता आया हूँ और हमेशा उसी को मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, परफेक्ट वे ऑफ स्टडी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और उसी तरीके से पढ़ाई करें ताकि आपकी कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अब इस 12 आवर टाइम को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो आई विल सजेस्ट के 5 घंटे बायोलॉजी के लिए रखिए, 4 घंटे फिजिक्स के लिए रखिए और 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए रखिए, और हर एक सब्जेक्ट में आधा टाइम थ्योरी पढ़िए, आधा टाइम MCQ सॉल्व कीजिए। रिमेंबर, MCQ सॉल्व करना इज मस्ट, बिकॉज एग्जाम में आपको MCQs पूछे जाते हैं, आपको थ्योरी नहीं पूछी जाती, और जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में MCQs सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट में जाके होता यह है कि हमने सारे साल MCQs सॉल्व नहीं किए, अब हम MCQs जब सॉल्व करने जाते हैं तो गलतियाँ होती हैं। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है, अभी से अपने शेड्यूल में MCQs को जगह देनी है, आधे टाइम थ्योरी पढ़नी है और आधे टाइम MCQs सॉल्व करने हैं। पूरे साल आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। बुक्स की बात आती है तो बायोलॉजी के लिए NCERT इज मस्ट, और इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए भी NCERT एंड कोचिंग के नोट्स काफ़ी हैं। फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ पड़ती है, हर किसी को फिजिक्स से डर। आई विल सजेस्ट यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप फिजिक्स का एक अच्छा सा टीचर ढूंढिए और उनसे फिजिक्स की कोचिंग लीजिए। कोचिंग के नोट्स को बार बार पढ़िए, MCQs सॉल्व करिए उसके बाद, और अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके MCQs आपको पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए, और या फिर अगर वहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो किसी रेफरेंस बुक से उन टॉपिक्स को पढ़ लें। फिर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो आई थिंक कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लें, ऑलमोस्ट ऑल आर प्रोवाइडिंग सेम मटेरियल्स। जनरली जहाँ तक मैंने देखा है कमी जो रहती है वो स्टूडेंट्स की तरफ से रहती है। कोचिंग्स तो ऑलमोस्ट सारी कोचिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ प्रोवाइड करती हैं, वही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वही टॉपिक्स कवर करते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही मॉड्यूल्स देते हैं। बट आपको करना क्या है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 12 आवर्स डे डेली पढ़ना है, और जिस भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है उसके ऊपर बिलीव करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि एक कोचिंग से आप ट्यूशन ले रहे हैं, दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं और मन में है कि किसी तीसरी कोचिंग का भी कुछ सॉल्व कर लें, तो इस तरीके से नहीं करना। जिस पर भी बिलीव करें कंप्लीटली बिलीव करें, और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि आपने अपने आप को चीट किया है, किसी कोचिंग वाले को या किसी रिलेटिव को या अपने पेरेंट्स को आपने बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपने अपने आप को चीट किया है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने गोल को अपने आप से दूर भेज रहे हैं। सो आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई और नहीं, आप खुद से अपने गोल को अपने से दूर भेजते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंटली 12 आवर्स ए डे 8 महीने तक पढ़ते रहेंगे तो आई एम श्योर कि किस अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो। प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे फेजेस आते हैं, डिप्रेशन होता है,
एंजाइटी होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारी प्रिपरेशन अप टू मार्क चल रही है या नहीं चल रही है। तो जब भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको अपने आप से यही कहना है कि लास्ट दिन तक आपको कंसिस्टेंटली 12 आवर्स डे पढ़ते रहना है, और आपका सिलेक्शन अगर इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट मुझे लगता है कि किसी मोटिवेशन से आप एक दो दिन एक महीना पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको पूरे साल डिसिप्लिनड रहना है और सोच के रहना है कि कुछ भी हो जाए 12 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाती है, आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि किस डायरेक्शन में जाए। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, आपकी नॉलेज और आपका टाइम खुद आपको डायरेक्ट कर देता है कि अब इस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है या उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कहीं से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इनपुट्स की ज़रूरत नहीं होती। प्रिपरेशन के बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर किसी के साथ आते हैं, मेरे साथ भी होता था और सबके साथ होता है। उस टाइम को सिर्फ आपको पास होने देना होता है, और चाहे कैसे भी थॉट आए अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना होता। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर मैसेज करके मुझे पूछ लें। आई विल ट्राई टू आंसर योर जेन्यून क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।